तो भाई फाइनली वी एंटर्ड अभी तक। तो भाई अब देखिए कितना प्यारा लग रहा है। चले वापस, बहुत भीड़ है, ये तो देखने वाला गाइस। इसी बरामदे में मंजुलिका नाचा करती थी। हाय हाय, ये है खूबसूरत जगह। लगाऊंगा इस फोन में टाइमर, अगर कोई किसी ने बीच में रोका तो वहाँ स्टॉप, वरना फिर से स्टार्ट। भाई बहुत सही चल रहा है यार, एक मिनट के अंदर ही है मुझे लग रहा है। 33 पे बोला, ये देखिए 47.07 सेकंड। वाह वाह वाह, नाइस यार, बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज। तो भाई मेरे भी आए मिल्क लेने, दूध लेने, चाय के लिए, दूध खत्म हो गया तो वो लेने आए। और भाई एक बार छत पे आए और ये नहीं दिखाया तो फिर बेकार ही छत पे आए। तो चलिए देख लिया, अब चलते हैं नीचे। भाई अभी हम आए शालीमार किचन और अभी हम लोग खा रहे हैं शावरमा। अपा को भी पसंद आया, हमको भी अच्छा लगा शावरमा, और हमें आ जाओ तो खाया जाए। तो भाई बैठे हुए हैं तीनों लोग यहाँ पे ऐसे। भाई आज निकलते ही देखिए क्या गाड़ी देखने को मिली है, ट्रायम्फ ट्राइगर भाई की है यार, नाइस यार, बहुत प्यारी गाड़ी। तो आज की सवारी हमारी ये होगी, और जब भी अली मॉडल गाड़ी देखते हैं ना तो हमेशा एक ही गाड़ी याद आती है, 1.6D चेरी रेड हर्ष भाई गाड़ी। गजब पावर है भाई इस गाड़ी में, और हुंडई ने इस वाली वरना के बाद सारी वरना बेकार बनाई, ये वरना एक नंबर वरना थी। चर्च कितना प्यारा है ये, हम इसी को बहुत दूर से देख रहे थे, पास आते आते और अच्छा होता चला जा रहा है ये चर्च। ये देखिए ये बहुत खूबसूरत चर्च है। तो भाई अभी आप लोगों को बता देंगे, हम लोग आ चुके हैं मैसूर। अब मैसूर बोलते हैं कि मैसूरू क्या बोलते हैं, प्रोनंसिएशन मैसूर है, स्पेलिंग तो बहुत अलग अलग है यहाँ पे देखा मैंने। बाकी अभी हम लोग चल रहे हैं मैसूर पैलेस, सबसे पहले वही देखेंगे, उसके बाद अगर वक्त। अरे कितना अच्छा ग्रीनरी है, तो अभी चलेंगे मैसूर पैलेस सबसे पहले, वहाँ देखेंगे मैसूर पैलेस पूरा देखा जाएगा, फिर उसके बाद जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे निकलेंगे। किधर बड़ा अच्छा। तो भाई फाइनली वी एंटर्ड, अभी तक हम लोगों ने बिना टिकट के हैं, भाई टिकट ले रहा है बाहर, उसको भी साथ में चले जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आया, फ्री में देख लेते, लेकिन चलो कोई नहीं, अपनी सच्चे के लिए। बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई, उधर से सब फ्रंट व्यू उधर से आएगा, लेकिन हम लोग साइड व्यू देख रहे हैं, बहुत बड़ा है भाई और बहुत भीड़ भी है। अच्छा वीकेंड भी तो चल रहा है, वीकेंड की वजह से भी ज़्यादा भीड़ होगी, स्कूल वाले बच्चे ज़्यादा हैं, लेकिन वही वीकेंड और ये सब की वजह से आया। तो भाई अभी हम लोग घूमते घूमते यहाँ पे पास में आ गए, बाकी बहुत ही प्यू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, एकदम प्यारा सा भाई फ्लावर है वो सब लगा के रखा है यहाँ पे अच्छे से। तो यहाँ पे एक शायद ये मंदिर है मेरे ख्याल से, वो है शायद मेन गेट जो हमने पहले रास्ते में दिखाया था, ये हमारा मेन गेट। बाकी धीरे धीरे कर रहे हैं, सामने जा रहे हैं, मेन गेट की तरफ चल रहे हैं। और ये है भाई पुरानी तरह की बिल्डिंग बनी हुई, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। अच्छा ये पूरे पूरे में लाइटें लगाई गई हैं, रात में चमकता होगा ये।
हर तरफ से गेट हैं इसके, उधर से भी है इधर से भी है। यहाँ पे फिर एक मंदिर टाइप का कुछ बना हुआ है, पता नहीं मंदिर है वो क्या है मुझे मालूम नहीं है। और ये सामने से भाई कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत। तो भाई अब देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है भाई। पहले यहाँ पे शायद दरबार हुआ करते होंगे इधर की तरफ, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पहले दरबार हुआ करता होगा, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी सीढ़ी टाइप का बना हुआ है। देखिए ये यहाँ पे सीढ़ी सीढ़ी टाइप के बने हुए बैठने के लिए, ऊपर यहाँ पे लोगों की भीड़ आप देख ही रहे हो। अंदर जाने का भाई, अंदर जाने का सीन थोड़ा ख़राब लग रहा है मुझे, मे भी अंदर ना जा पाए हम लोग, क्योंकि बहुत भीड़ है, बहुत मतलब बहुत भीड़। और ये इधर देख लीजिए, यहाँ पे ये दरवाज़ा टाइप का बना है इधर की तरफ, फिर इधर की तरफ सेम, इधर की तरफ मेन एंट्रेंस। भाई आपको एकदम क्लियर व्यू मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, धूप की वजह से एकदम धूप अपोजिट चल रही है यहाँ पे। बहुत अच्छा दिखने में तो ऐसे आँखों से देखते हो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें उतना मैं बता नहीं पा रहा, अच्छा नहीं लग रहा धूप की वजह से। बाकी थंबनेल भी अच्छा नहीं खींच के आ पा रहा है, और ऐसा भी इतना सही नहीं आ रहा, इधर की तरफ लाइट ज़्यादा है तो उधर की तरफ तो आ रहा है, इधर की तरफ नहीं आ रहा, दिक्कत यही है। देखते हैं उधर छाँव में से, देखते हैं छाँव में से हो सकता है आ जाए हल्का सा, देखते हैं करके। इधर जो एकदम यहाँ पे कुछ नहीं पाते होंगे ना, पूरा ऐसे पेड़ ही पेड़ हुआ करता होगा। सामने देखिए एकदम प्यारा सा व्यू आ रहा है यहाँ पे, ये इसका ये भाई साहब टहल रहे हैं हमारे। ये फिर ये है, अब भाई फोटो खींची, फोटो अच्छी आई नहीं रही लाइट की वजह से। आपके दोस्त की जो एक्टर आप बता रहे थे बन रहा था, अच्छा अच्छा वही आप उसी की बात कर रहे हैं ना, जो आपके एक दोस्त इलाहाबाद के थे, आग लगी जल गई। अच्छा ये इसी के अंदर ही शूटिंग में आग लगी थी। वो अभी जिंदा होते तो अच्छे खासे एक्टर हो जाते। तो भाई ये अंदर की भीड़ देखिए, ये सब रेलिंग वेलिंग असलियत है भाई, गोल्डन 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 कलर की रेलियां हैं, आप पता नहीं ये असलियत की है पुरानी है, ये तांबे की है काहे की है, ये है अच्छा भाई बहुत तेरा। अंदर चलते हैं देखते हैं, ठीक है भाई जिनका आसार इस कदर भीड़ है, तो ऐसे चल चल के जाना है फिर ऊपर। और अभी हम लोग एक जगह और जाने का सोच रहे थे, कहीं वो ना रह जाए, तो अभी आए हैं मैसूर आए हैं भाई, 200 किलोमीटर दूर आए हैं लगभग, तो भाई सोचा था कि इधर दो तीन जगह तो हो ही लें, तो अगर यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे। और ये बड़ा अच्छा करके रखा है इन्होंने, सारे फूल वगैरह सब लगा के रखा है भाई। चले वापस, बहुत भीड़ है। यहाँ पे जूते अलाउड नहीं है, चप्पल अलाउड नहीं है, वो लोग अपना कुछ देंगे उसी में जाना, तो भाई लेने गया है लेके आ गया है जरा, अब इसमें रखो और रख के फिर जलो। अब होने जा रही है एंट्रेंस प्रवेश, आप बता सकते हो ये क्या लिखा है? मैं बता सकता हूँ एंट्रेंस लिखा, चलो भाई सीधे सीधे एंट्रिंग करें। तो भाई ऐसी कुछ एंट्रेंस है, ठंडा ठंडा है बाहर, कितनी गर्म है यहाँ, कितना ठंडा है। तो भाई देखो तोपो वाला रखा हुआ, लेकिन है नहीं तोप इस पे, बाकी है भाई एंट्रेंस। ये तो देखने वाला है,
गाइस इसी बरांडे में मंजुलिका नाचा करती थी हम जी तुम्हारा वाह वाह सही जमाने में आर्किटेक्चर तो पुराने जमाने में थे ना, कोर्स करते थे ना कुछ करते तो बना के चले जाते थे। बहुत प्यारा बहुत प्यारा। ये है तो लगा हुआ फोटो वोटो देखते जाइए। ये गलत काम किया। ये डोर देखो अमेजिंग, क्या वजनी डोर है भाई, घर पे लगाना बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। ये तो पहले की पेंटिंग्स है ना, हाथ से बनाई हुई है। फोटो फ्रेम देखिए, फ्रेम सब हाथ से बनाई हुई है। ए भाई, ए भाई, ए रानी विक्टोरिया भी आई थी क्या? ए, वो देखो दुगना लगान देना पड़ेगा भाई, पुराने जितने भी संदूक वगैरह सामान रखने की चीजें, चांदी की। पहले जमाने गाड़ियां देखो, चलने वाली सिंहासन बोली डोली नहीं अब्बा, वो बैठ के चलने वाला है। चलिए 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 चलिए। यहाँ पे इनकी वो लगती होगी,
जाके इनकी वो होती थी क्या सुबह की असेंबली होती थी। ऊपर की तरफ ये सब औरतों का बना हुआ है गजब में। भाई यहाँ ऊपर जाना मना है मेरे ख्याल से, और सही भी है कि देखिए लिफ्ट, ये पूरा ऊपर जाने का रास्ता है, ये लिफ्ट है। कभी गलती से अगर मैं रात में छोड़ दिया जाऊँ ना यहाँ पे, अबे मर्क। अच्छा ड्रेसिंग टेबल्स देखिए, ड्रेसिंग टेबल भाई, ये दरवाज़ा लग जाए ना घर में मज़ा आ जाए। अगर घर का एंट्रेंस का दरवाज़ा ऐसा हो, अरे हाय ये है खूबसूरत जगह। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, पर्सनल इलाका होगा। ये पर्सनल वाला होगा, बहुत प्यारा बहुत प्यारा बहुत प्यारा भाई, बहुत प्यारा भाई, बहुत खूबसूरत। चलिए तो भाई चलिए वापस बाहर आ गए, अब जूता चप्पल पहने और फटाफट यहाँ से निकले। तो भाई अभी तक आप लोगों को पूरा दिखा दिया, यहाँ पे बना हुआ है श्री प्रसन्ना कृष्णा स्वामी टेंपल। तो अच्छा यहाँ पे आएंगे तो आपको टेंपल एम्पल को भी देखने को मिल ही जाएगा। तो भाई होप सो आप लोग को यह वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो, क्योंकि इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बनी है, एक नंबर ब्लॉग बना है। इसको भी देख लो और फिर इसके बाद नया ब्लॉग देखना शुरू कर, मस्त एकदम। ये चलिए आउटर आउटर चलते हैं।